जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब ये भक्ति काल आया तो भक्ति काल के आचार्य हुए, तो अब देखते हैं हम भक्ति के प्रथम आचार्य। भक्ति के प्रथम आचार्य या भक्ति के आद्य आचार्य, कैसे भक्ति आई? भक्ति के प्रवर्तक आचार्य, भक्ति के प्रथम आचार्य, भक्ति के आद्य आचार्य, भक्ति के प्रवर्तक आचार्य, ये कौन हुए? रामानुजाचार्य। इनका नाम क्या था? रामानुजाचार्य। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इनका नाम था रामानुजाचार्य। कई बार बहुधा हमारे यहाँ प्रश्न आता है और हम रामानुजाचार्य और रामानंद को एक कर लेते हैं, ये नहीं है। रामानुजाचार्य दक्षिण के भक्ति के, भक्ति काल के प्रथम आचार्य, भक्ति के आद्य आचार्य या भक्ति के प्रवर्तक आचार्य के नाम से हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं भारतीय भक्तिकालीन साहित्य में। इनके गुरु का नाम क्या था? कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण, ठीक। ये जाति के शूद्र थे और कांचीपूर्ण नामक जगह पर ही इनका घर था। कांचीपूर्ण नामक जगह पर ही ये रहते थे। रामानुजाचार्य ने भक्ति का जो द्वार है वो सर्वप्रथम द्विज जातियों के लिए खोला। किसके लिए खोला? द्विज जातियों के लिए खोला। भक्ति के प्रथम आचार्य कौन? रामानुजाचार्य। इनके गुरु कौन? कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण शूद्र थे, कांचीपूर्ण नामक स्थान के रहने वाले थे। रामानुजाचार्य ने भक्ति का द्वार सर्वप्रथम द्विज जातियों के लिए खोला कि जो द्विज जातियां हैं वो भक्ति में, भक्ति पूजन पठन मनन के लिए मंदिरों के में प्रवेश कर सकेंगी। भक्ति का जो द्वार है वो द्विज जातियों के लिए खोला और ये द्विज जातियाँ थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। भारतीय मत में ये मान्यता है, भारतीय संहिताओं की ये मान्यता है कि एक संस्कार होता है जिसे हम कहते हैं उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत या जनेऊ जिसको कहते हैं। उसके बाद इन सभी तीनों जातियों का पुनर्जन्म होता है और ये दो बार जन्म लेने से द्विज कहलाती हैं। तो रामानुजाचार्य ने, यद्यपि उनके गुरु शूद्र थे कांचीपूर्ण, फिर भी केवल द्विज जातियों के लिए ही मंदिरों के द्वार को खोला, द्विज जातियों के लिए ही भक्ति को प्रस्थापित किया। फिर रामानुजाचार्य के एक और शिष्य थे, उनका नाम था राघवाचार्य या राघवानंद। राघवाचार्य मिलता है कई जगह, राघवानंद मिलता है। ये प्रवक्ता की तरह थे इनके, जो ये कह देते थे, जो ये बात अपने संप्रदायों में चलाते थे वो मानना इनका परम धर्म माना जाता था, ठीक। राघवानंद के एक शिष्य थे, उनका नाम था रामानंद। उनका नाम क्या था? रामानंद। अब ये उत्तर भारत में कहाँ के रहने वाले थे? प्रयाग के। कहाँ के रहने वाले थे? प्रयाग के। अब हम एक बार इस वापस से इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे आचार्यों के अनुक्रम को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। भक्ति के प्रथम आचार्य कौन? रामानुजाचार्य। नाम? रामानुजाचार्य। भक्ति के प्रथम आचार्य कौन? इनके गुरु कौन? कांचीपूर्ण। जो जाति से क्या थे? शूद्र थे और कांचीपूर्ण नामक जगह के रहने वाले थे। रामानुजाचार्य के शिष्य कौन? राघवानंद। और राघवानंद के जो गुरु थे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण अन्य नाम हमारे भक्तिकालीन साहित्य में मिलता है, उसका नाम है रामानंद। ये और रामानंद का शिष्य कौन, ये भी बता देती हूँ। इनके 10 शिष्य थे, इसमें सर्वप्रमुख शिष्य थे कबीर।
इन्होंने एक बात कही कि द्विज के लिए ही क्यों, भक्ति जो है संपूर्ण जातियों के लिए एक साथ करने योग्य है। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भक्तिकालीन साहित्य में किया, वो था शूद्रों के लिए भी इन्होंने भक्ति को द्विज के अतिरिक्त शूद्रों के लिए भी इन्होंने भक्ति का मार्ग खोल दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस समय इन्होंने किया। और ये उत्तर भारत में प्रयाग के रहने वाले थे, प्रयाग यानी इलाहाबाद के ये रहने वाले थे। और यही कारण है कि ये दक्षिण से जो संरचना चली हमारी, दक्षिण से जो भक्ति हमारी चली, ये उसको कहाँ तक लेकर आए, उत्तर भारत तक लाए। तो कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले संत कौन, वो थे रामानंद। और शूद्रों के लिए भक्ति का मार्ग खोलने वाले संत कौन, वो संत भी थे रामानंद। कई बार डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है, भक्ति द्राविड़ उपजी ल्याए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप मधुखंड। सप्तदीप पूरे भारतवर्ष में रामानंद ही प्रथम व्यक्तित्व थे, रामानंद ही प्रथम आचार्य थे जिन्होंने भक्ति की प्रस्थापना, भक्ति की स्थापना हमारे बीच में की। तो रामानंद का कार्य इन अर्थों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम रामानंद के शिष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे भक्ति जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आई और रामानंद उनको लेकर के आए। अब हम रामानंद के शिष्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि रामानंद के शिष्य कौन कौन थे। सबसे पहले रामानंद के 10 शिष्य थे, कई 10 बताते हैं, कई 12 बताते हैं। तो अपन देख लेते हैं, इनमें 2 स्त्रियां थी, मैं 12 मानती हूँ। इनके 12 शिष्य थे और इनमें 2 स्त्रियां थी। पहले शिष्य इनके रैदास, ये उम्र में कबीर से बड़े थे और हम सभी जानते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा रैदास कह रहे थे। और मन की शुद्धता पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो रैदास जो थे वो इनके शिष्य थे, कबीर, धन्ना, सेन और पीपा, ये 5 इधर। फिर आए भावानंद, फिर आए सुखानंद, फिर आए अनंतानंद, फिर आए नरहरियानंद और फिर आए सुरसुरानंद। ऐसे करके इनके 12 शिष्य थे, 10 तो ये हो गए, 10 पुरुष थे और 2 स्त्रियां थी। 2 स्त्रियां कौन कौन थी, एक तो थी सुरसरी और एक थी पद्मावती। ये वो पद्मावती नहीं थी, आप अपना कंफ्यूजन मिटा लेना कि रामानंद के 12 शिष्य कौन कौन से थे। मैंने आपको बता दिया था अलवारों की संख्या कितनी थी, 12, 11 प्लस 1, 11 पुरुष और 1 स्त्री थी। नैनारों की संख्या 63, नाथ 9 है, नवनाथ सिद्ध 84 हैं। और रामानंद के शिष्य जो थे वो मैंने आपको बताए कौन कौन से थे, रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद आ जाते हैं, सुखानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और सुरसुरानंद। और फिर उसके बाद 2 स्त्री थी, एक सुरसुरी और एक पद्मावती। हम शिष्य परंपरा में अभी फिलहाल इतना ही करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि भक्ति काल क्यों आया, भक्ति काल के उदय के ऐसे क्या कारण रहे जो भक्ति काल आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस्लाम के बलात् प्रतिकार के स्वरूप हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को एक आश्रय चाहिए था और ये आश्रय उन्हें भक्ति काल में मिला। इस्लाम के बलात् प्रचार, बलात् प्रतिरोध के स्वरूप हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को एक आश्रय चाहिए था और यह आश्रय उन्हें भक्ति काल में मिला। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके मत का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर भारतीय साहित्य में इस्लाम ना
आया भी होता, मैं वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम आक्रमणों के प्रतिरोध का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अगर भारतीय साहित्य में इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कई बार बहुधा प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य के बारा आने की पंक्ति किसकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इस्लाम के अगर आक्रमण नहीं हुए होते, इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। और हिंदू जो जाति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि हिंदू और जो जाति है वो आशा प्रेरित जाति है, आशावादी जाति है, तो इस आशा के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो मार्ग खोजा वो मार्ग भक्ति का मार्ग था। अब हम ये देखते हैं कि भक्ति काल के उदय के वे क्या कारण थे जिनसे भक्ति काल का उदय हुआ। पहले हम इधर देखिए, पहले देखिए, ज्ञान और श्रद्धा के योग का नाम भक्ति है, भज धातु से भक्ति की उत्पत्ति हुई है। तो अच्छा, एक बात और है, भक्तिकालीन साहित्य, भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, यह आप सभी जानते होंगे, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन नामक हमारे एक विद्वान थे, उन्होंने हमें ये बताया कि भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। और ग्रियर्सन कहीं ना कहीं ये जान गए थे कि ये स्वर्णिम आभा वाला ये जो काल है, ये जो स्वर्ण आभा वाला ये जो भक्ति काल है, जिसकी स्वर्ण आभा, जिसके साहित्य की स्वर्ण आभा हमारे यहाँ चारों तरफ फैली दिखाई दे रही है, ये इसे निश्चित रूप से स्वर्ण युग की संज्ञा से अभिहित करना कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक, अब हम ये देख रहे थे भक्ति काल के उदय के कारण। उदय के कारण, तो एक तरफ तो मैं कारण लिख देती हूँ, दूसरी तरफ मैं विद्वान लिख देती हूँ कि किस विद्वान ने क्या बात कही थी। देखिए, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मत हैं, कई बार बहुत प्रकार से परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर मैं देने का आपको प्रयास करूंगी। सबसे पहला लोगों ने माना कि जो भक्तिकालीन साहित्य था वो इस्लाम से आया। कहाँ से आया? इस्लाम से आया, कि जो भक्तिकालीन साहित्य है वह इतिहास इस्लाम की उपज है, इस्लाम का साहित्य है, भक्तिकालीन साहित्य है वो इस्लाम से उत्पन्न हुआ है, या इस्लाम से इसका प्रकटन हुआ है, इसको मानने वाले कौन थे? प्रोफेसर आजाद हुसैन, हुसैन एक हुमायूं नामक इतिहासकार हुए हैं वो, ताराचंद, डॉक्टर ताराचंद, और डॉक्टर कबीर। डॉक्टर कबीर, ताराचंद, प्रोफेसर आजाद हुसैन, इन लोगों ने ये हमें बताया कि जो भक्ति साहित्य है, जो भक्ति काल है, वह कहाँ से आया? इस्लाम से उत्पन्न हुआ है। किस किस ने बताया? प्रोफेसर आजाद हुसैन, प्रोफेसर हुमायूं, जो साहित्यकार है वो हुमायूं है, डॉक्टर ताराचंद और डॉक्टर कबीर ने इस बात की पुष्टि की। लेकिन अगला ही मत तुरंत ही यहाँ पर प्रकट हो गया, वो दूसरा मत क्या था? बोले जी नहीं, भक्तिकालीन साहित्य तो ईसाइयत की देन है, ईसाइयत की देन है। ये किसने माना? ग्रियर्सन, कीथ, विल्सन, ये सब ये मानते हैं, ग्रियर्सन, कीथ, विल्सन और बेबर, मैक्स बेबर, ये मानते हैं कि नहीं, जो भक्तिकालीन साहित्य आया वो कहाँ की देन है? ईसाइयत की देन है, वो ईसाइयों के परिणाम स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने एक बात कही, वो बात ये थी कि इस्लाम की बलात् प्रचार की दौरान, बलात् प्रचार से हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को कोई आश्रय चाहिए था, और यह आश्रय जो कहाँ मिला? भक्ति काल में उनको मिला। तो उन्होंने माना है कि जो ये भक्ति काल है वह हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की देन है।
हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की, मनोवृत्ति का साहित्य है या मनोवृत्ति की देन है ये, तो ये किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनके साथ साथ डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इसी बात को माना है कि ये जो भक्तिकालीन साहित्य है वो क्या है? हिंदुओं की इस्लाम के बलात् प्रचार के प्रतिरोध स्वरूप जो मनोवृत्ति हुई उसकी ये देन मानी गई है, उसका ये उसकी एक खोज मानी गई है, ये भक्तिकालीन साहित्य है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुरंत ही इस मान्यता का खंडन किया। हम चौथी मान्यता पर पहुंच रहे हैं विद्यार्थियों, मैं आपको याद करा दूंगी कि नहीं, हिंदू जो जाति है वो एक आशावादी जाति है। आप देखिए कि कबीर से लेकर तुलसी और जायसी से लेकर सूरदास तक कहीं भी नकारात्मक धारणा हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हिंदू एक आशावादी जाति है और अगर भारतीय साहित्य में इस्लामिक आक्रमण नहीं हुए होते तो भी यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो उन्होंने ये कहा कि भारत में यदि इस्लाम भी ना आया होता तो देखिए, भारत में यदि इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये किसने कहा? हजारी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अगर हिंदू एक आशावादी जाति है, हिंदू जो लोग हैं वो आशा का संचार करते हैं, और यदि यहाँ इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य संस्कृति का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये बात हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताई और उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के मत का सिरे से खंडन कर दिया, जो उन्होंने कहा था कि जो भक्तिकालीन साहित्य है वो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की देन है। अगला हम चलते हैं, किसी ने कहा कि नहीं, भक्तिकालीन साहित्य वो है जो अरबों की देन है। किसकी देन है? अरबों की देन है। और ये माना है प्रोफेसर ताराचंद ने। किसकी देन? अरबों की देन है और ये माना है प्रोफेसर ताराचंद ने। ये हमारी पांचवी मान्यता हुई। छठी मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये साहित्य अरबों की देन नहीं है, ये पराजय की क्षतिपूर्ति का साहित्य है। पराजय की क्षतिपूर्ति का साहित्य है। भक्तिकालीन साहित्य क्या है? पराजय की क्षतिपूर्ति का साहित्य है। और इस मान्यता को प्रश्रय देने वाले थे डॉक्टर गुलाब राय। ठीक, अगली जो मान्यता सातवीं हमारे पास है वो कहती है कि नहीं, जो हिंदू जाति थी वो सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक दुखों से मुक्ति की आकांक्षा लेती थी और ये जो साहित्य है ये इस मुक्ति की आकांक्षा का साहित्य है। सामाजिक, धार्मिक दुखों से मुक्ति जनता चाहती थी और ये साहित्य जो है वो मुक्ति का साहित्य है, इन दुखों से मुक्ति का साहित्य है। तो ये मान्यता थी गजानन माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध की। और हमारे एक बहुत ही आधुनिक आलोचक हुए हैं, ये हमारी सातवीं मान्यता थी। और आठवीं मान्यता, ये तरह तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको, आप नोट करते रहिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा कि ये कौन सी मान्यता। देखिए, इतना वस्तुनिष्ठ परीक्षा में इतना गहरे तक जाने की अपेक्षा हम लोग करते हैं और हम ये मानते हैं कि ये बातें विद्यार्थी को पता होंगी, इसलिए
अगली जो आठवीं मान्यता थी, अगली मान्यता, वो हमारे एक आधुनिक विचारक हैं, आधुनिक आलोचक हैं, जिनके नाम से आप भली भांति परिचित हैं, वो विचारक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। और वे कहते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य भारतीय जनता का जातीय साहित्य है। भक्तिकालीन साहित्य भारतीय जनता की जातीय चेतना का साहित्य है। ये आलोचक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक। अब इस तरह से कुल ये आठ मान्यताएं हमारे पास में हुई, जो भक्तिकाल के उदय के कारण हमें माने जाते हैं। पहला मानते हैं कि इस्लामियत की देन है, वो मानते हैं प्रोफेसर आज़ाद हुसैन, हुमायूं, प्रोफेसर कबीर और ताराचंद। फिर कहते हैं नहीं, ये ईसाइयों की देन है, वो मानते हैं कीथ, बेबर, विल्सन और जॉर्ज ग्रियर्सन भी इस बात को मानते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नहीं, ये मुसलमानी आक्रमण, इस्लामों के आक्रमण के बलात् प्रचार के प्रतिरोध स्वरूप हिंदुओं के पराजित मनोवृत्ति का साहित्य है, पराजित मनोवृत्ति से भक्तिकाल का उदय हुआ, ऐसा मानते हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। लेकिन उस मत को सिरे से खंडन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वो मानते हैं कि नहीं, हिंदू जाति जो है वो शुरू से आशावादी रही है, और कबीर से लेकर तुलसी और सूर से लेकर जायसी तक किसी भी काव्य में नकारात्मक धारणा नहीं मिलती। अतः अगर मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए होते तो भी भारतीय साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो ये बात उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू जाति ही आशावादी है और इसलिए भारतीय साहित्य आया। फिर डॉक्टर ताराचंद मानते हैं कि नहीं, ये अरबों की देन है। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाब राय ये मानते हैं, छठी मान्यता जो मैंने आपको बताई, कि पराजय की क्षतिपूर्ति का साहित्य भक्ति साहित्य है। मुक्तिबोध का मत है कि सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक दुखों का परिमार्जन, परिष्करण का जो साहित्य है वो भक्ति साहित्य है। उसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ने माना कि ये जो साहित्य है, भक्तिकालीन जो साहित्य है, वो साहित्य भारतीय जनता का भारतीय संस्कृति की जातीय चेतना का साहित्य क्या है? भक्ति साहित्य है। मुक्तिबोध का मत एक तरीके से, मुक्तिबोध जहाँ मुक्ति की बात करते हैं कि आशावादी मुक्ति, सामाजिक धार्मिक दुखों से जो जनता थी वो मुक्ति चाहती थी, और इस आशावादी मुक्ति का साहित्य भक्तिकाल का साहित्य है। वहीं रामविलास शर्मा इस बात का खंडन मंडन करते हैं कि जो भक्तिकालीन साहित्य है वो भारतीय जनता की जातीय चेतना का, जातीय भावधारा का साहित्य है। तो अब हम भक्तिकाल के उदय के कारणों को विस्तार से पढ़ चुके हैं। कभी भी कहीं भी भक्तिकाल के उदय के कारण आएंगे तो हम भक्तिकाल की पूर्व पीठिका के रूप में इन सभी कारणों को, इन सभी तथ्यों को जानते हैं। और बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में मैं आशा ही नहीं, विश्वास करती हूँ कि आप बिल्कुल सही इसका उत्तर दे पाएंगे। अब हम चलते हैं कि भक्तिकाल का विकास या कैसे भक्तिकाल जो है वो वर्गीकृत हुआ, भक्तिकाल कैसे हमारे सामने आया। तो आज हम अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो है भक्तिकाल का वर्गीकरण। भक्तिकाल का वर्गीकरण, देखिए भक्तिकाल जो था वो हमारे सामने दो रूपों में आया। पहली भक्ति थी निर्गुण भक्ति, और दूसरी भक्ति क्या थी? सगुण भक्ति। निर्गुण और सगुण, निर्गुण में आप सभी जानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होती, छापा माला तिलक का विरोध होता है, संत साहित्य जो था वो हमारा इसमें आया, और हम कीर्तन, नाम स्मरण पर अधिक बल देते हैं। सगुण भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत दो भावधाराएँ, दो भक्ति की धाराएँ, दो भक्ति के कारक प्रमुख रूप से आए। एक था ज्ञानाश्रयी, ज्ञान का कारक या ज्ञान का आश्रय लेने वाली धारा,
दूसरा था प्रेमाश्रयी या प्रेम का आश्रय लेने वाली धारा। एक थी ज्ञानाश्रयी, एक थी प्रेमाश्रयी। ठीक है, ये हमने बहुधा पढ़ा है, हम सभी इस बात को जानते हैं कि भक्ति काल का वर्गीकरण या भक्ति काल का प्रकारांतर से हम इसका विवेचन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। एक धारा थी ज्ञानाश्रयी धारा, दूसरी धारा थी प्रेमाश्रयी धारा। ज्ञानाश्रयी धारा के प्रमुख कवि कबीर और इनका ग्रंथ बीजक। प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख कवि कौन? मलिक मोहम्मद जायसी और इनका ग्रंथ जो अभी थोड़े दिन पहले बहुत चर्चा में था, पद्मावत। सगुण भक्ति की बात करते हैं। सगुण भक्ति में दो काव्य धाराएं, पहली राम भक्ति काव्य धारा, दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन? तुलसीदास। देखिए, और ग्रंथ हम सभी जानते हैं, इस ग्रंथ के समन्वय से, इस ग्रंथ के सौरभ से हम भली भांति परिचित हैं, वो है रामचरितमानस। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन? सूरदास। और सूरदास का प्रमुख ग्रंथ सूर सागर। ज्ञान का आश्रय लेने वाली धारा ज्ञानाश्रयी धारा, ज्ञान धारा संत काव्य जिसको हम कहते हैं, जिसके प्रमुख कवि कौन? कबीर और उनका ग्रंथ बीजक। प्रेमाश्रयी काव्य धारा जायसी, पद्मावत, राम भक्ति तुलसीदास, रामचरितमानस, कृष्ण भक्ति सूरदास और सूरसागर। देखिए, भक्ति काल जब आया, भक्ति काल जिसका स्वर्णिम काल हमारे सामने कभी भी दोबारा नहीं आया, भक्ति काल जैसी स्वर्णाभा का काल हमारे सामने कभी भी दोबारा नहीं आया, इस काल में एक विशेष बात और भी रही, वो ये थी, जैसे मैंने आपको बताया दिव्य प्रबंधम की रचना हुई थी, और दिव्य प्रबंधम की रचना किस भाषा में हुई थी? तमिल भाषा में। कबीर ने बीजक की रचना अपनी सदुक्कड़ी भाषा में की, क्योंकि कबीर पहले समाज सुधारक थे, कवि बाद में। जायसी ने अवधि में पद्मावत की रचना की, ग्रामीण अवधि। तुलसी ने साहित्यिक अवधि में रामचरितमानस की रचना की। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की। तो धीरे धीरे लोग संस्कृत अवहट्ट और अपभ्रंश का पल्ला छोड़कर लोक भाषाओं की तरफ, जन भाषाओं की तरफ अभिमुख हो रहे थे, जन भाषाओं की तरफ जा रहे थे। ये प्रवृत्ति हमें तमिल से देखने को मिलती है। संस्कृत का धीरे धीरे विलोपन हो रहा था, संस्कृत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कबीर एक जगह कहते हैं, संस्कृत है कूप जल, भाषा भाका बहता नीर। संस्कृत जो है वो कूप जल है, कुएं का जल है, लेकिन भाषा जो हमारी लोक भाषा है, जो हमारी जन भाषा है, वो बहता हुआ नीर है। धीरे 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 इन भाषाओं का, इन लोक भाषाओं का परिष्कार परिमार्जन भी इस काल में हुआ। जिस तरह भक्ति की भावधारा हमें अंदर तक रससिक्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार ये लोक भाषाएं भी हमें अंदर तक रससिक्त कर देती हैं, रसाप्लावित कर देती हैं। आज हम भक्ति की पूरी भूमिका पढ़ चुके हैं, भक्ति काल का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, भक्ति काल के उदय के कारण पढ़ चुके हैं। अब जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, आगे की जो चर्चा है वो मैं अपने आगामी अध्यायों में करूंगी, आगामी टॉपिक्स में करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।